लाइफ में हर किसी को कभी न कभी किसी से मोहब्बत हो ही जाता है और हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसे सच्चा प्यार करे, ट्रू लव करे। लेकिन हम जाने कैसे कि पार्टनर हमें सच्चा प्यार करता भी है या फिर नहीं? आज मैं आपको सच्ची मोहब्बत की 5 निशानियां बताने वाला हूं, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी जो पार्टनर है, आप जिससे प्यार करते हो, वो आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर नहीं। जिसमें सबसे पहले नंबर की हम बात करते हैं और वो है कि अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करेगा तो वो कभी भी आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा। यानी आप जिससे भी प्यार करते हो वो भी आपसे सच्चा प्यार करेगा तो वो कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करेगा। महंगे गिफ्ट, महंगे फ़ोन, किसी भी चीज़ के लिए आपको डिमांड नहीं करेगा। मतलब वो सिर्फ आपसे प्यार करेगा और वो ये चाहेगा कि आप भी उससे उतना ही प्यार करो। वो कभी किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करेगा, ना ही आपको कभी मजबूर करेगा। क्योंकि ट्रू लव की बहुत बड़ा ये एक फैक्ट है, जो लोग फेक लव करते हैं ना, वो बहुत सारे डिमांड्स करते हैं कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट हमें वो चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जो ट्रू लव होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता यार। ट्रू लव में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, बस प्यार होता है, डिमांड नहीं होता। तो अगर आपका पार्टनर आपसे कोई भी डिमांड नहीं करता, बस आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार ही चाहता है, तो आप यकीन मानिए कि वो जो पार्टनर है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपसे ट्रू लव करता है। लेकिन अगर आपसे बहुत ज़्यादा वो डिमांड करता है, कंडीशंस रखता है, तो आप यकीन मानिए वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। बात करते हैं सेकेंड नंबर की, और वो है कि अगर आपका पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा रोक टोक करता है, आपकी केयर करता है, खुद से ज़्यादा आपकी फिक्र करता है, तो यकीन मानिए वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहता यार। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपसे ट्रू लव करता है। क्योंकि जो लोग टाइम पास करते हैं ना, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, आप खाना खाए हो या नहीं खाए हो, आपकी तबीयत कैसी है, अभी आप कहाँ, वो पूछेगा भी नहीं आपको। रोक टोक करना तो दूर की बात, कभी आपसे पूछेगा भी नहीं कि अभी आप कहाँ हो। लेकिन जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो जरूर आप पर हक जताएगा, वो जरूर आपसे पूछेगा कि अभी आप कहाँ हो, आप क्यों गए, मुझे पहले बताया क्यों नहीं। ये चीज़ होता है यार। तो अगर आपका पार्टनर आपको रोक टोक कर रहा है, आपके ऊपर हक जता रहा है, आपकी फिक्र कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, तो यार ऐसा पार्टनर आपको कभी नहीं मिलने वाला, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ट्रू लव करता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है यार, ये रियलिटी है। जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो फिक्र करेगा। अक्सर आपने देखे होंगे जो माँ बाप होते हैं, वो बहुत फिक्र करते हैं कि रात में बाहर मत जाना, बाइक धीरे चलाना, टाइम से खाना खा लेना। क्यों बोलते हैं यार? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें खोना नहीं चाहते, यही रीज़न है। इसी प्रकार से जो पार्टनर आप जिससे प्यार करते हो, अगर वो भी आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, फिर कर रहा है या फिर कर रही है, तो वो आपकी फिक्र करेगा यार, बहुत फिक्र करेगा। वो आप पे रोक टोक भी करेगा, आप पे हक जताएगा, खुद इससे ज़्यादा आपकी फिक्र करेगा। तो अगर ऐसा आपका पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपको कभी खोना नहीं चाहता, वो आपसे ट्रू लव करता है। और ये सीधा सीधा साइन है सच्ची मोहब्बत की, ट्रू लव की। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, तो आपसे खुलकर बातें करेगा। देखना, जो चालाक लोग जो होते हैं ना, जो टाइम पास करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग टाइम पास करते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एकदम मीठी मीठी बातें करते हैं, वो एकदम सोच समझ कर बातें करते हैं। वो ये जानते हैं कि उनकी कोई भी बात आपको बुरा ना लग जाए, ठीक है। लेकिन जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो खुलकर आपसे बात करेगा। हो सकती है कि उसकी कुछ बातें आपको बुरी लग जाए, बट उसके इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि वो आपको तकलीफ दे। उनके इंटेंशन बस ऐसा है कि वो खुलकर बातें करना चाहता है, वो सोच समझ कर बात नहीं करता, चलाकी के साथ बात नहीं करेगा। और सच्ची मोहब्बत की बहुत बड़ा एक साइन है यार, मान के चलो इस बात को आप, और आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो चलाक लोग होते हैं ना, वही लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको फंसा के रखते हैं। लेकिन जो सच्चा प्यार करते हैं ना, जो ट्रू लव करते हैं, एकदम खुल के बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो वो क्या सोचेगी, या फिर मैं ऐसा बोल दूं तो वो क्या सोचेगा। ऐसी बातें नहीं होती यार सच्ची मोहब्बत में, बस बोल देते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपसे खुलकर बातें करता है, सोचना समझना उसको नहीं पड़ता, या फिर वो चलाकी के साथ आपसे बात नहीं करता, तो अभी मान लीजिए कि वो जो पार्टनर है ना, वो आपसे सच्चा मोहब्बत करता है, ट्रू लव करता है। बात करें फोर्थ नंबर की, और ये शायद आपके साथ भी हो चुका होगा, होता ये है कि जो पार्टनर हमें सच्चा प्यार करता है ना, या फिर करती है, उन्हें आप जब बोलो जहाँ बोलो मिलने के लिए आ जाती है, वो एग्री हो जाती है। दिन रहे रात रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर आप बोल दिए कि मुझे मिलना है, आप आओ, तो दौड़ी आ जाती है। लेकिन जो लोग फेक लव करते हैं ना, जो टाइम पास कर रहे होते हैं ना, वो मिलने से बचते हैं यार। ऐसा क्यों होता है मालूम? उनके लाइफ में और भी कई सारे लड़कियां होती है, या फिर अगर लड़की है तो उसके लाइफ में और सारे लड़के होते हैं, तो
तो उन्हें ये डर हो जाता है कि अगर मैं इनसे मिलूं और फ़ोन को वो चेक कर ले तो मेरा सारा जो गुप्त बातें हैं ना ओपन हो जाएगा और आपकी नज़र में वो गिर जाएगी। ये होता है, उन्हें डर होता है और इसलिए वो मिलने से बचते हैं और फ़ोन पर ही अपना काम चला लेते हैं, फ़ोन पर ही बातें करते हैं। ठीक है, तो जो लोग फेक लव करते हैं ना वो लोग मिलने से बचते हैं, लेकिन वही अगर जो सच्चा प्यार करते हैं, जो ट्रू लव करते हैं, अब उन्हें कहीं भी बुला लो यार, हकीकत बता रहा हूँ, वो दौड़ी आ जाती है और चली आती है। देखो एक बार क्या हुआ, मेरी एक बंदी थी, उसके साथ मैं 4 साल तक रिलेशन में था और 4 साल में न जाने उसमें कितने बार मिलने के लिए बोला, बट वो हर बार ही मना करती रही। रीज़न क्या था कि मेरे अलावा उसके लाइफ में और भी लड़के थे, तो उन्हें डर था कि अगर मैं इससे मिलूं तो फिर वो उसका जो पूरा गुप्त बातें हैं ना उसके लाइफ में जो और लड़के उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा, तो वो जानबूझकर बात को टालती रही। हालांकि मुझे आया लास्ट में पता चल गया उसके लाइफ में और भी लड़के हैं उसी के गाँव के। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जो लोग धोखा देना होता है ना, जो लोग फेक लव करते हैं, जो लोग टाइम पास करते हैं, वे लोग आपको मिलने से बचेंगे, लेकिन जो सच्चा प्यार करते हैं ना उसे आप कहीं भी बुला लो यार, उन लोग चले आते हैं, कोई भी उन लोग घर में बहाना बना लेंगे कि मैं पार्लर जा रहा हूँ, कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, कुछ भी बहाने करके वो आपसे मिलने ज़रूर आएगी। और ये फैक्ट है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर आपका पार्टनर अब जब बोलता वो मिलने आ जाता है या फिर आ जाती है, तो आप यकीन मानिए आपको उससे बेहतर कोई पार्टनर नहीं मिल सकता। वो आपसे सच्चा प्यार करती है, वो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो ट्रू लव करता है, ये एक साइन है सच्ची मोहब्बत का। लेकिन जो फेक लव करेगा ना वो आपसे मिलने से बचेगा, आप कितना भी उसे मिलने के लिए बुला लो वो एक बार भी मिलने नहीं आएगी। आपका बर्थडे भी रहेगा ना और आप उसे बोलोगे हम सेलिब्रेट करेंगे यार आओ, तो भी वो नहीं आएगी, वो बहाना मार देगी कि यार आज घर में कोई नहीं है, आज मम्मी जाने नहीं दे रही, या फिर है वो कुछ भी अब बहाना बना देगी। और मजे की बात क्या पता है कि जो फेक लव करते हैं ना उनके पास इतने सारे बहाने अवेलेबल होते हैं कि वो आपको यकीन दिला ही देंगे कि वो सही बोल रहा है और आप उस पर शक नहीं कर पाओगे, इतने अच्छे अच्छे लोग बहाने पहले से तैयार रखते हैं। तो ये एक साइन है सच्ची मोहब्बत का, जो आपको सच्ची मोहब्बत करेगा उसे आप जब बोलो जहां बोलो मिलने के लिए आ जाएगी या फिर आ जाएगा। दोस्तों टिप नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लड़की आपसे सच्चा प्यार करेगी, फिर जो लड़का आपसे सच्चा प्यार करेगा ना वो आपको फ्यूचर प्लानिंग में साथ रखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अचीवमेंट वो हासिल करने वाला है या फिर हासिल करने वाली है तो उसमें भी वो आपको शामिल रखेगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वो फ्यूचर प्लानिंग करेगा या फिर फ्यूचर प्लानिंग करेगी उसमें वो आपको साथ रखेगी। जैसे आप कॉलेज में, ठीक है, आप कोई ट्रिप प्लानिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी साथ रखेगी कि आप भी मेरे साथ चलना ट्रिप में, कि हम दोनों साथ ट्रिप में जाएंगे। इस तरीके के जो फ्यूचर प्लानिंग है ना उसमें वो आपको साथ रखेगी। एक ही बात नहीं है, कोई से भी फ्यूचर प्लानिंग हो वो आपको साथ रखेगी, आपको बोलेगी कि यार हम ऐसा ऐसा करेंगे फ्यूचर में, कि यार अगर फ्यूचर में हम लोग की जॉब हो जाएगी तो हम ऐसा ऐसा जॉब करेंगे, आप खाना बनाना, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मतलब इस तरीके की जो फ्यूचर प्लानिंग है ना वो चलते रहता है। तो अगर फ्यूचर प्लानिंग में आपकी बंदी आपको अपना साथ रख रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है, वो आपसे ट्रू लव करती है। क्योंकि जो टाइम पास करते हैं ना वो फ्यूचर में क्या करंट में भी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते, बस वो अपना मतलब से मतलब रखते हैं, बाकी काम निकल गया तो वो वहीं पर बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना या फिर जो सच्चा प्यार करती है वो अपने हर एक फ्यूचर प्लानिंग में आपको साथ रखना चाहेगी, क्योंकि ऐसा वही इंसान कर सकता है जो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हो। जो टाइम पास करने वाला होता है ना वो कभी भी ऐसा फ्यूचर प्लानिंग नहीं बनाएगा आपके साथ। बात करते हैं 6 नंबर की, जो बहुत कॉमन है, और ये है कि बहुत ज़्यादा मजबूर करना, डिमांड करना। बहुत सी ऐसी मैंने लड़कियाँ देखी हैं जो अपने पार्टनर को एकदम से लूटते ही रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, या फिर आपको इतना ज़्यादा मजबूर कर देंगे कि आपको उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। जबकि रियल लाइफ में जो ट्रू लव करते हैं ना, जो सच्चा प्यार करते हैं, वो कभी अपने पार्टनर को किसी बात को लेकर के मजबूर नहीं करते, कोई डिमांड नहीं करते। लेकिन जो लोग फेक लव करते हैं ना, जो धोखा देने वाले जो लोग होते हैं ना, वही लोग मजबूर करते हैं। और देखो ये बात चीज़ की ही नहीं है, बात पैसों की ही नहीं है, बात गिफ्ट की ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करते हैं, सेक्स करने के लिए मजबूर करते हैं। तो देखो यार, अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करेगा ना तो वो कभी भी आपको मजबूर नहीं करेगा, जिसमें आपकी खुशी उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेगा। क्योंकि प्यार का मतलब ही वही होता है यार, प्यार होता क्या है, प्यार का मतलब ये है कि जिसमें आप खुश हो उसमें हम भी खुश हैं, बस यही प्यार है यार। तो जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना वो कभी अपने पार्टनर को मजबूर नहीं करते। कुछ लड़कियां ऐसी भी मैंने देखी हैं जो महंगे महंगे गिफ्ट के लिए मजबूर करते हैं, आप ये नहीं ले सकते मेरे लिए, आप वो नहीं ले सकते मेरे लिए, मेरे फ्रेंड को देखो उसका भी अब उसके लिए ये लिया है वो लिया है, इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर ऐसा आपके भी साथ हो रहा है ना तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर ही निकल जाओ यार, कोई मतलब नहीं वहाँ पर रहने का।
क्योंकि जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना यार, जो ट्रू लव करते हैं, वो कभी भी कोई डिमांड नहीं करते और कभी भी मजबूर नहीं करते। और जो आपके पास बहुत ज़्यादा डिमांड रख रहा है, आपको मजबूर कर रहा है किसी किसी चीज़ को लेकर के, कोई बात को लेकर के मजबूर कर रहा है, तो यकीन मानो वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, काम निकलते ही, मतलब निकलते ही वो अपना रास्ता नाप लेगा। एक बोनस टिप भी देखे जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो इसे कॉपी में भी लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो लड़की या जो लड़का आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो कभी भी आपके अलावा अपने लाइफ में किसी और लड़की लड़के को फ्रेंड नहीं बनाएगा। जैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करेगी ना, तो वो आपके अलावा किसी और मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएगी। याद रखना यार इस बात को, मैंने एक रील वीडियो में इस बात को बताया भी था कि भले ही प्यार मत करना, लेकिन ऐसी लड़की से प्यार मत करना जिसके कोई मेल बेस्ट फ्रेंड हो, वरना ये लड़की आपकी ज़िंदगी की वाट लगा देगी। तो जो आपसे सच्चा प्यार करेगी ना, वो आपके अलावा अपने लाइफ में किसी और लड़के को ना बेस्ट फ्रेंड, ना फिर फ्रेंड, ना फिर दोस्ती, किसी भी नाम से जगह ही नहीं देगी। वो सिर्फ आपको ही अपने दिल में बसा कर रखेगी। और जो लड़की आपके होते हुए भी और मेल बेस्ट फ्रेंड बना रही है ना, इससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, ब्रेकअप कर लो, ज़्यादा बेटर। आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ होगी। इससे बेटर कि अभी से आप साइड हो जाओ, क्योंकि जो सच्चा प्यार करेगा ना यार, वो कभी भी आपके अलावा अपने लाइफ में किसी और लड़के को जगह नहीं देगा। और ये लड़कों के साथ भी होता है। अगर आपका कोई बीएफ है, इस वीडियो को अगर कोई लड़की देख रही है, तो आपका जो बंदा है ना, तो वो लड़का अगर आपके होते हुए भी कोई और लड़की को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है, तो यकीन मानो वो आपको धोखा दे रहा है। वो घंटा आप उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार करेगा ना, तो वो आपके अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करेगा, ये फैक्ट है। और मज़े की बात ये है, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, हर लड़की हर लड़के को पता होना चाहिए, कि एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते यार। ये हो सकता है कि वो अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते। अगर लड़के के दिल में प्यार है तो वो बता नहीं पा रहा है, या फिर लड़के के दिल में प्यार है वो बता नहीं पा रहा है, और दोनों बस फ्रेंड की तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल फ्रेंड हो ही नहीं सकते यार एक लड़का और एक लड़की। इसे मैं मान ही नहीं सकता कि एक लड़का और एक लड़की फ्रेंड है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थे सच्चे प्यार के निशानियाँ। अब आप अपने रिलेशनशिप में मैच करो कि इनमें से कौन कौन सा साइन आपके रिलेशन से मैच करता है। आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर नहीं। और हाँ, अगर सच्चे प्यार की कोई और भी निशानी है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो मेन पॉइंट है ना, उसे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है, सच्चे प्यार की निशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।